पक्का बिष्ट गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले दीपक वहां से अपडेट दीजिए, अभी वहां पर किस तरीके के हालात और सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके के इंतजाम, क्या कुछ और भी कदम उठाए गए हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए गायत्री, यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो पुलिस ने दो दिन पहले से लगातार बैरिकेडिंग और साथ ही जो कटीले तारों को लगाया था उसके साथ ही कीले जो है वो जमीन पर बिछाई है, लगाई है और उसके ऊपर सीमेंट के सहारे ये कीले लगाई है। लेकिन जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसानों की एक दिन पहले यहाँ पर जो महाराष्ट्र से संजय राउत यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने सभा को संबोधित किया था, राकेश टिकैत से मिले थे। आज सुबह से लगातार यहाँ पर किसानों की हलचल बढ़ी है, क्योंकि 6 जनवरी को जिस तरह से किसानों की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया है तो उसके बाद ये हलचल बढ़नी स्वाभाविक है। और साथ ही जो दिल्ली पुलिस है उसने गाजीपुर रूट को पूरी तरह से बंद किया है, NH-9 को बंद किया है। अगर दिल्ली से, अगर आप गाजियाबाद यूपी से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो आपको रूट बंद मिलेगा, लेकिन आपको वैकल्पिक के तौर पर आनंद विहार का रूट इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सुरक्षा के तौर पर पुलिस अपनी तरफ से पूरी मजबूती बनाकर रखी है, लेकिन जो किसान हैं उनकी भी तादाद यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। उनका यही कहना है कि जो उनकी मांगे हैं उसको सरकार को मानना होगा, तब तक वो अपने इसी आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे। जी दीपक, लौटेंगे और अपडेट के लिए।